मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 190 वर्ष का इतिहास, 1757 से 1947 तक का इतिहास, इसमें मैं उन क्रांतिवीरों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ जिन्होंने वास्तव में देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निकाल कर दिया, परंतु उनका नाम कभी भी इतिहास में नहीं लिखा। एक दो के नाम बताए गए इतिहास में कि ये लोग इन लोगों ने आज़ादी लेके दी है और एक कांग्रेस का नाम बताया गया। ये दोनों ही बातें बहुत बड़ा एक गरूर मजाक कह सकते हैं, धरती का बहुत बड़ा झूठ पाप बोला गया, बताया गया, सुनाया गया और इतिहास के नाम पर उनका इतिहास दोनों से शुरू हुआ और काले अंग्रेजों तक, गोरे अंग्रेजों के बाद काले अंग्रेज भी यहाँ कुछ देर शासन करते रहे हैं काफ़ी सालों तक। और उसमें जो बढ़ाया गया मौलवियों और कम्युनिस्टों ने जो यहाँ के इतिहास की रचना की वो हम सब ने पढ़ करके अपने आप को पढ़ा लिखा मान लिया, लेकिन वास्तव में जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए आपको कटवा दिया फांसी के चक्के के ऊपर छूट गए, अनगिनत जेल की यातनाएं न सहनीय, अति कष्टकारक, पीड़ादायक कल्पना भी नहीं की जा सकती, और काला पानी, अंडेमान, सेलुलर जेल की सजा कोई सोच भी नहीं सकता। धरती का नर्क भी किसी ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई नर्क नहीं होता होगा, शायद भी फीका पड़ जाएगा जो काली पानी में, काला पानी में स्वतंत्रता जी को जो दंड दिया जाता था सजा दी जाती थी। उन क्रांतिवीरों में अभी पीछे कुछ पंजाबी सुर में मैंने आपके सामने रखे हैं 25-30 एक ही श्रृंखला में, और उसके बाद कुछ महिलाओं का मैं आपके सामने ला रहा हूँ। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी महिलाएं ऐसे 12-13-14 में लगभग एक पंक्ति में उनका बोल चुका हूँ। अभी थोड़ा सा आज भी हम उसी एक महिला को ही याद करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बीच बीच में हमें स्मरण रहना चाहिए इस चैनल का लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य में उस किस लक्ष्य को सामने रख करके इतिहास भी पता चले आप उस समय की का परिवेश, उस समय का वातावरण, उस समय का समाज, हालात, शासक, शासित, राजा, प्रजा, देशी विदेशी, फिरंगी विधर्मी, सब लोगों का किस प्रकार का कैसे कैसे चल रहा था, मैं बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको उस तरफ भी आपको नहीं खिला था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास असंख्य हुतात्मों के रक्त से लिखा गया है। अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश सत्ता की दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 1857 से पूर्व से ही समय समय पर राष्ट्रपतियों ने सशस्त्र विद्रोह का विवरण बजाया। कई क्रांति से लेकर देश के स्वाधीन होने तक ये सतत संघर्ष चलता ही रहा। 1857 के सशस्त्र विद्रोह कहा गया जिसको मैं पहली बार पहली आहुति वीर मंगल पांडे ने बैरकपुर में फांसी पर झूल कर दी। इसके बाद मेरठ में 10 मई से शुरू हुए इस क्रांति यज्ञ में रानी झांसी, नानाजी पेशवा, डाकिया दुर्गे, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, ऐसे बहुत से लोग, कितने ही राष्ट्रभक्तों ने अपने प्राण की आहुतियाँ देकर इस क्रांति को प्रज्वलित किया। बाद में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश,
पर एपिस नोट दे चुका हूँ, और कांधेरे के बाद खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, जाफरीकर बंधुओं को, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, उधम सिंह, ऐसे अनेक क्रांतिवीरों ने प्राणों सरकर क्रांति के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखे। वह तिलक से लेकर महर्षि अरविंद, भाई परमानंद, सावरकर बंधुओं का, शचिंद्र नाथ सान्याल, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, ऐसे असंख्य विभूतियों ने जहाँ अपना सर्वस्व मातृभूमि की मुक्ति के लिए बल किया, वहीं पर युवा पीढ़ी ने इनसे प्रेरणा लेकर के इस चिंगारी को, इस ज्वाला को, इस ध्वज को, इस पताका को आगे ले जाने में सर्वस्व विश्रामण करते रहे। क्रांति का जो सम्राट वीर सावरकर, अन्य बहुत सारे बलिदानियों की गाथाएं, सावरकर जी ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास तो ठीक से लिखा ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बलिदानियों पर तब तक जो कुर्बान हो चुके थे उन सब के लिए बहुत बड़ा परिचय उस समय की युवा पीढ़ी को दिया। लंदन के इंडिया हाउस में रह के दिया, यहाँ से जाने वाले युवकों को तैयार करने में दिया। हम देखते हैं कि और हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे प्रमुख नायक और नायिकाओं की गाथाएं लिखने वाले गाथाओं को संजोकर पुस्तकों के रूप में, छोटे छोटे फोल्डर्स के रूप में आगे बढ़ाने वाले, इन सब के अंदर फिर मदन लाल ढींगरा से लेकर 21 साल बाद जलियांवाला बाग कांड का प्रतिशोध लेने वाला सरदार उधम सिंह, ऐसे बहुत सारे उपेक्षित क्रांति वीरों की शांतिपूर्ण गाथा, शक्तिपूर्ण गाथा, शौर्यपूर्ण गाथा, उनका वीरतापूर्ण गाथा, ये सब का मैं इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूँ। क्रांतिकारी आंदोलन, सशस्त्र क्रांति की कहानी, सशस्त्र क्रांति का प्रयास, सब कुछ समाप्त अपना करने के बाद, सुख वैभव को लुटाने के बाद, देश केवल देश, भारत माँ की प्रतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए खुद कट जाएंगे, ऐसा सोचने वाले, संकल्प लेने वाले और ऐसे राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों ने, क्रांतिकारियों के व्यक्तित्व और कृतित्व को गूंथने का प्रयास किया है इस चैनल के अंदर। आशा है मेरे दर्शकों को, मेरे श्रोताओं को मेरा ये प्रयास ठीक लगेगा, क्योंकि ये आज तक ऐसा प्रयास किसी ने नहीं किया। अभी मैं कुछ दिनों से कुछ महिला क्रांतिकारियों को दे रहा हूँ, दीदी शीशा सुशीला मोहन, दुर्गा देवी बोहरा, जिसको दुर्गा भाभी के नाम से हमने स्मरण किया, क्या कमाल की क्रांतिकारी थीं। ऐसे ही एक महिला युवती कनकलता बरुआ, असम के लोग अगस्त क्रांति में पुलिस और फौज द्वारा अत्याचार के कारण काफी रुष्ट थे, फिर उनके द्वारा खुलकर सत्याग्रह आंदोलन ने क्रांति का रूप धारण कर लिया था। 42 के क्विट इंडिया मूवमेंट में करो या मरो की बात आई थी, लेकिन उस आंदोलन में कोई ऐसा नहीं था कुछ भी, पर उसने उस करो के मरो का वाक्य लेकर के, भाव लेकर के, जिनके अंदर अग्नि थी, उन सब ने क्रांतिकारियों के साथ मिल करके और अपने आप को कि भाई अब तो आखिरी प्रयास कर लेना चाहिए और ये सशस्त्र क्रांति से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, ऐसे ही क्रांति का रूप धारण कर रहा था
असम के गोपुर गांव के थाने पर तिरंगा लहराने की योजना बनी। जुलूस में सबसे आगे कनकलता बरुआ, जिसकी आयु मात्र 14 वर्ष थी, तिरंगा झंडा लेकर चल रही थी। थानेदार अपने सिपाहियों के साथ कनकलता को रोकने के लिए आगे आया। उसने पुलिस को संबोधित करते हुए कहा, कनकलता ने 14 वर्ष की, क्या बोलती है? अरे आप लोग तो हमारे भाई हैं, हमें क्यों रोकते हैं? आप भी हम लोगों में सम्मिलित होकर हो जाए और हम सब मिलकर के झंडा लहराएंगे। थानेदार ने सबको अंदर आने से रोक दिया। तब कनकलता ने कड़क कर कहा कि थाना तो जनता की संपत्ति है, 14 वर्ष की लड़की। जनता की संपत्ति के रक्षक यदि जनता का कहना नहीं मानेंगे तो जनता उन्हें हटा देगी और अपनी संपत्ति अपने अधिकार से ले लेगी। इतना कहकर वह थाने में अंदर घुसने लगी। 14 वर्ष की कनकलता बरुआ अपनी बहनों के साथ और युवतियों के साथ, किशोरियों के साथ थाने में घुसने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन थानेदार ने तुरंत गोली चला दी। गोली कनकलता बरुआ को लगी और वे वहीं बलिदान हो गई। एक नौजवान मुकंद काबला ने उसके हाथ से झंडा लेकर उसे फहराने के लिए वो आगे बढ़ा, उसे भी गोली लगी और वे भी वहीं पर धराशायी हो गया। जनता का दल बढ़ता रहा, गोली चलती रही, लोग गिरते रहे। अंततोकत्वा थाने पर झंडा तो फहर ही गया, लेकिन हम देखते हैं इस तरह कनकलता बरुआ की का बलिदान, उसके बलिदान ने लोगों में जोश भर दिया। कनकलता बरुआ के साथ भी एक और नौजवान की का बलिदान हो रहा है। 14 वर्षीय बालिका किशोरी, युवती तो हम उसको कह ही नहीं सकेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से बाल किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग, 80 साल का वो कुंवर सिंह, मैं एपिसोड दे चुका हूँ, ऐसे सब लोगों को आपके सामने लाने का, नायक और नायिकाओं को आगे आपके सामने लाने का एक ही लक्ष्य है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने सचमुच में जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया और उन सब को कहीं भी इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। बाहर कुछ आंधी तूफान चल पड़ा है, मुझे लगता है कि कनकलता बरुआ के लिए के संबंध में मैंने जो आज आपके सामने रखना था, और क्रांति का पूर्व इतिहास 1757 से 1947 तक मैं आपके सामने लाता जा रहा हूँ। आज शायद 327-328 वीडियोस आप तक आ चुकी हैं और ये बराबर आती रहेंगी। सिंध के राजा दाहर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1000 नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। अज्ञात नीम के पत्थर भारत माँ की स्वतंत्रता के बेड़ियां काटने के लिए खुद कटवा देने वाले, फांसी के तख्ते पर झूलने वाले, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत हो जाने वाले, काला पानी की भयंकर नार किए दंड को, सजा को भुगतने वाले और जेलों के अंदर बिल्कुल लंबे समय तक यातनाएं सहने वाले ऐसे नायक और नायिकाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूं। और ये महिलाओं का जो इस क्रांति में योगदान रहा, अभी कुछ दिन और कुछ महिलाएं, उनका जीवन, उनकी वीरता, उनका शौर्य, उनका वो बलिदान, उनकी वो कुर्बानी आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। इस चैनल के माध्यम से उन सब क्रांतिवीरों को आपके सामने लाने का मेरा जो प्रयास है,
ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।